तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हियरी और पूरी टीम यहाँ इकट्ठा है। आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का मुकाबला चल रहा है, चल रहा है इसलिए क्योंकि अभी एक रन चाहिए जीतने के लिए आयरलैंड को। पर एक वक्त ऐसा आया था दूसरी पारी में जब आयरलैंड के चार विकेट गिर गए थे और उसके बाद शुभेंदु दादा ने पूरे नोएडा और पूरे दिल्ली एनसीआर में लड्डू बंटवा दिए थे। व्हाट अ रन चेज यार, व्हाट अ रन चेज, वाओ वाओ यार, वाओ यार, वाओ यार, रुकनी नहीं चाहिए, व्हाट अ रन चेज यार, रुकनी नहीं चाहिए, वाओ 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 यार, व्हाट अ रन चेज, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, वाओ व्हाट अ रन चेज, बेहतरीन पारी, वर्णन करिए, मैं चाहता हूं 5 मिनट आप इस रन चेज का वर्णन करें, तब तक मैं थोड़ा सा कुछ चीजें जो है यहां पर उसके बाद बात करते हैं। लाइनें नहीं होती कि हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ये वही वाली पारी थी। आप 10 ओवर तक देखिए, हम 9.361 फॉर 4 सेंचुरी पार्टनरशिप, 61 फॉर 4 उसके बाद का जो मतलब समय आया वो फिर वही है ना कि हम जो बात कर रहे थे कि इनकी बॉलिंग अच्छी, पर जब पिटाई शुरू हो गई फिर ऐसी कोई बॉलिंग नहीं लग रही कि विकेट आने वाला है कुछ आने, उससे पहले विकेटें आ रही थी, उसके बाद देखिए इनके आज थोड़ी फील्डिंग भी खराब दिखी। एक कैच तो शुरुआत में उन्होंने छोड़ दिया था, हालांकि उसके बाद ठीक फील्डिंग में भी फिर भी ठीक काम करते, लेकिन आई थिंक देखो T20 में हम बड़ी सारी बात करते हैं बिग हिट्स और ये और वो सारी चीजें, बट इस पार्टनरशिप ने खेली है परसेंटेज क्रिकेट जिसको कहते हैं। इन्होंने चांस भी लिए, कुछ शॉट्स पर ऐसा भी लगाया कि क्यों कर रहे हैं, मतलब आउट ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कम चांस लग रहा था कि बाद में किस तरीके से होगा। तो आई थिंक देखो आयरलैंड के सामने स्कॉटलैंड है, बट आई थिंक आयरलैंड क्रिकेट को इस जीत को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। और कर्टिस कैम्फर, उस टाइम भी मैंने इसलिए कहा था, इन्होंने 2 ओवर में आज 9 रन भी दिए थे, एक आउट भी किया है, पता नहीं आयरलैंड खुद भी इनको क्यों अंडररेट करता है, क्या वजह है, बहुत ही अच्छे एक यूटिलिटी प्लेयर है और एक क्वालिटी ऑलराउंडर बन सकते हैं उनके लिए, और आज जबरदस्त पारी हाफ सेंचुरी लगाकर जा रहे हैं। जॉर्ज डॉकरेल जो पहले गेंद से बड़ा नाम बने थे, अब बल्ले से फोकस किया और पार्टनरशिप बनाई है। इस पार्टनरशिप में आप डबल्स उठाकर देखिए, मेरे ख्याल से 3 तो मेरे को ट्रिपल्स वैसे ही याद आ रहे हैं, तो इन्होंने हिट मारी और उसके बाद फिर खेला परसेंटेज क्रिकेट कि रनिंग बिटवीन द विकेट से जो है वो रन लगाने में भी देखिए भी एक और पहले उसी ओवर में ही 2 गेंद शायद बीट होते हैं, उसके बाद 2 रन ले लेते हैं जहां पर लगभग 1 रन ही लग रहा था, पर वही उन्होंने मतलब डबल से ही प्रेशर नहीं आने दिया। अच्छा इसमें भी लग रही है और डबल सारी चीजें, ये तो 3 बैक टू बैक बाउंड्रीज आई और मैच खत्म कर दिया, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें इसी ओवर में एक डबल है, ठीक है, आप देखिए कि इनकी डॉट्स कम आएंगी, फिर 18th ओवर में डबल है कर्टिस कैम्फर का, उससे पहले फिर डबल है, फिर एक डबल, 3 डबल है 18th ओवर में, 3 डबल और एक सिंगल, कोई डॉट बॉल नहीं है। तो ये समझे जो हम परसेंटेज क्रिकेट की बात करो, जो फीचर रहा इस पार्टनरशिप का, फिर ये बड़ा जो है कि खतरनाक ओवर डाल दिया था यहां पर मार्क वॉट ने, बट वहां पर भी उन्होंने क्या किया कि उस ओवर में उनकी बात हो रही थी कि आप कमबैक करा सकते हैं, जैसे आप भी करते कि उन्होंने पिछले मैच में वॉट लगा दी थी, बट यहां उनको भी कोई मौका नहीं दिया, अच्छा ओवर ही डाले थे, एक तो आखिर में 3 रन आए वहां पर, उसके अलावा एक चौका जो है वहां पर अटेम्प्ट कर रहे थे पीछे से वो बना नहीं, बात एक वाइड बॉल इन्होंने डाल दी थी, ये ओवर कंपैरेटिवली उस टाइम ठीक गया, जो लगा कि यार शायद थोड़ा सा वापस ले आया इनको मैच में, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे तो फिर इस ओवर में 2 डबल है, 16th ओवर में 1 ट्रिपल है, 1 चौका भी आया मेरे ख्याल से वाइड का वो चौका है और एक हिट भी है, 17 रन इस ओवर में आए थे, और शायद यही वो ओवर है धीरे कर्टिस कैम्फर ने शायद इसमें एक छक्का लगाया था, एक छक्का मारा था उनका एक, पर ये देखिए ये 15th ओवर जहां पर व्हील को उन्होंने छक्का मारा, आप देखिए आयरलैंड को आप लोग जो बैक कर रहे थे, मतलब एक रीजन यही था कि इनके पास आप देखिए सारे लगभग यहां पर कर्टिस कैम्फर तक इनके पास वो प्लेयर थे, बट देखो सुरेंद्र भाई आज कर्टिस कैम्फर की बात अब इसलिए भी हो रही है क्योंकि देखो फैक्ट ये भी कि रनचेज के वक्त हमने कहा कि हैरी टेक्टर, हमने कहा कि पॉल स्टर्लिंग, ये अब इसमें कोई वो नहीं है कि अब आकर बोल दें कि जी हमने तो पहले ही बोल दिया था और ये है वो है, उनके बारे में उनकी यूटिलिटी को लेकर बात जरूर करते हैं, उनकी वो एबिलिटी है इसलिए बात भी होती है, बट बीच में जैसे मैंने देखा कि आयरलैंड में धीरज भाई ये नहीं होते थे, तो हम ये कहते हैं कि क्यों नहीं है, 10वें ओवर तक मतलब मैं इतना ज्यादा उनको रेट नहीं कर रहा था बल्लेबाजी को लेकर, मैंने धीरज भाई से बोला कि आप लोगों ने तो इनको बेन स्टोक्स बना दिया है, जिस तरीके से मतलब कि बॉलिंग तो जबरदस्त कर रहे हैं, पर फिर मैंने तुरंत उनके यूट्यूब पर डाला तो उनकी शुरुआत में कोई 50 उनकी आ रही थी, उन्होंने मतलब कि बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, पर इस तरीके से जब आप आज एक सिचुएशन में क्या अच्छी खासी आप यहां हारते तो लगभग बाहर हो जाते। देखो धीरे धीरे 12वें उन्होंने 82/4 थे, फिर ये वो ओवर था मार्क वॉट क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करे उन्होंने, इनको कैम्फर ने जो छक्का मारा था स्लॉग स्वीप आई थिंक वहां पर मारा, और उसके बाद उन्होंने हर ओवर में जो है छक्का भी आया, डबल्स हमने देखे, इतने सारे डबल्स मैंने गिनवा दिए आपको कि डबल्स ट्रिपल्स किस तरीके से रहा, थोड़ा सा उन्होंने वाइड वीड भी डाली बाद में, लेकिन मजा आ गया इस तरीके के रनचेज देखकर धीरज भाई, बहुत तगड़ा, मतलब ये आई थिंक जो बात चल रही है T20s में, आप खैर बड़े बड़ी टीमों के बड़े बड़े मैचेस होते हैं, बड़ी बड़ी चेजें होती हैं,
बट यहाँ पे चार विकेट 10 ओवर में आई थिंक 61 रन, चार विकेट, आप 90-100 रन तकरीबन है आपके पास बनाने हैं आपको। आपके नीचे अगर आप देखो आपके पास बैटिंग उतनी है नहीं, क्योंकि हैरी टेक्टर आपको ऊपर एक नजर आते हैं जो रिकॉग्नाइज बैटर नजर आ रहे थे। इसके बाद नीचे लग रहा था यार क्या होगा क्या होगा, चलो बैट बल्ला तो मार्क एडर वगैरह भी चला लेते बट वो नहीं लगता। और उसके बाद देखो विकेट नहीं गिरी, पूरे करेजियस में पूरे करेजियस कह सकते दिलेरी से आके शॉट खेला उन्होंने और दिलेरी से मैच। और स्कॉटलैंड को समझ में नहीं आया हम कहाँ है, वॉट की वाट लगा दी है, इस तरह मारा इस तरह मारा। और यार कर्टिस कैम्फर पार्टनरशिप बहुत बड़ी थी, 32 गेंदों पर 73 नॉट आउट, ये भी तो देखे ना, बहुत तगड़ा है यार, जितवा के जा रहे हैं ये। मतलब इस टीम के लिए बेहतर है कि भाई अब इनके पास इनकी लाइनअप अच्छी है क्योंकि हार के बाहर हो जाते हैं। नितिन भाई भी जुड़े हुए हैं और वो भी आई थिंक उस दौरान जब आयरलैंड वाली सीरीज हुई तो हम सब यही पूछ रहे थे कि कर्टिस कैम्फर कहां पर है, कर्टिस कैम्फर का क्या हो रहा है और कर्टिस कैम्फर को क्यों नहीं उस तरीके से जो है उसके बाद हमने देखा पिछले वर्ल्ड कप में भी बढ़िया किया था। लेकिन ये जो अब देखो अब ये भी दिखा रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स भी और उसी पर हम बात कर रहे थे कि इस पूरी पार्टनरशिप में जो सबसे बड़ी चीज है कि बाउंड्रीज तो मारी, जिसको कहते ना कि परसेंटेज क्रिकेट, पर डबल्स ट्रिपल्स भी जो मैं कह रहा हूं कि 2-3 आपको ट्रिपल याद आ रहे हैं कि उन्होंने यहां पर बनाए हैं, तो उन्होंने पूरे तरीके से डॉट बॉल्स बाग में जो आ गई थी वो शुरुआत में आ रखी थी, शुरुआती 10-11 ओवर की डॉट बॉल्स हो गई, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको डॉट बॉल्स नहीं है वहां पर बहुत ज्यादा। और इन्होंने रनिंग देखी है, मतलब कि ठीक है ग्राउंड यहाँ पर बड़े हैं पर इन्होंने डबल्स लिए हैं, बाकी चाहे पहली पारी हो या फिर दूसरी टीमों के मुकाबले यही बॉल जा रही थी, डबल्स नहीं हो रहे थे, इन्होंने डबल्स लिए हैं वहां पर, इन्होंने कुछ थोड़े से चांस भी लिए, मतलब कि रनआउट होने का वहां पर एक था कि मौका बन सकता है, वैसे तरीके के भी उन्होंने पुश किया, फील्डर्स पर प्रेशर डाला थोड़ा सा, फिर आप मजबूर करते हो फील्डिंग कैसे रहे, छक्का चौका भी मार रहे हो तो भाई बाउंड्री पर हम रहे, हम डबल्स भी लेंगे तो हम थोड़ा क्या आगे आए, तो उस तरीके से आपने बांध कर रखा उनको, फंसा के रखा कि ऐसा नहीं रखा कि यार स्ट्राइक रोटेशन पर ही गेम चले, तो आप क्या करते हो कि 2-2-3 दिन कदम आगे हो जाओ दुखी ब्लॉक कर देंगे। इन्होंने चौके छक्के भी मार दिए और सारी चीजें कर दी, लेकिन शुभेंदु भाई आपको लगा था कि इस तरीके से, मतलब आपने बैक भी किया और मिड इनिंग्स पर भी अच्छी स्कोर लग गई थी और आप कॉन्फिडेंट भी थे और जब हाफ वे स्टेज पर वो स्कोर भी थी कि यहां से ऐसा कम बैक कर देंगे पूरी तरीके से। देखिए 10 ओवर में अगर आपके 60 रन है 4 विकेट है तो जाहिर सी बात है मैं ही नहीं, कोई और भी होता वो भी कहता कि हां यहां से स्कॉटलैंड जीत जाएगी। अब इस तरीके की पारियां मतलब 100 में कितने लोग कहते हैं ऐसा, 100 में से तकरीबन 95 दो जिनमें से यहां पर थे जिन्होंने नहीं कहा, उम्मीद वो उम्मीद थी टीम पर, आप बैक कर रहे थे उम्मीद थी आपको, फाइट देखिए फाइट टीम को आप सपोर्ट कर रहे होते जाहिर सी बात फाइट की जो बात आप कर रहे हैं, आज हमारी टीम ने फाइट दिखाई। इंडिया जब किसी से खेल लेते मैं तो चाहता हूं भुवनेश्वर कुमार रन कर देंगे, देखिए आज आप तो आखिर तक नहीं हार रहे, आप इंडिया को बीच में लाके मामला इमोशनल कर रहे हैं, आप मामला इमोशनल कर रहे हैं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि आयरलैंड अगर इंडिया को भी हरा दे तो मेरे को अच्छा लगता है, उस टाइम फाइट होती है तो आयरलैंड वर्ल्ड कप पे नहीं बोला, नहीं नहीं मैचेस में यार नॉर्मल मैचेस में, तो आयरलैंड की एक बार वाह आप कर दे अगर यार वाह यार मजा आ गया, क्या मजा आ गया, क्या परफॉर्मेंस है, वाह मजा आ गया। क्या आप मानते हैं कि जैसे उस वक्त का जो चार विकेट गिरने के बाद जो उन्होंने भाई ने ऐसा किया उनके दूसरे वाले भाई बड़ा विनम्र नजर आए, वो अपना अपना तरीका होता है किसी का, पर क्या आपको लगा उस वक्त आप अगर थोड़ा सा, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा रोल था यार, उसके बाद जब आप जब बैठे थे 2-3 बाउंड्रियां लगने लगी तब मुझे अंदर से लगने लगा यहां तो विकेट चाहिए, यहां विकेट चाहिए, विकेट गिरनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली, उम्मीद करेंगे आने वाले मैचों में खेले क्योंकि पहले में नहीं आई थी उस तरीके की पारी, आप जल्दी हाँ जल्दी ये देखो आज जो भी चीज है जब अब ये भी नहीं होना चाहिए कि एक दिन खेल दी पारी फिर आप मतलब बात करो यार कर्टिस कैम्फर हमने भी बोला और हमने भी बोला और ये वो खिलाड़ी है ये वो खिलाड़ी है, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी जैसे हैरी टेक्टर कैम्फर वहां तक नहीं, कैम्फर के अलावा जो ऊपर के बल्लेबाज अभी देखो शुभेंदु भाई बात ये है कि सपोज पॉल स्टर्लिंग के सपोज एक दो गेम्स नहीं आ रही बट यार बहुत ज्यादा सर्व किया है, बेल बर्नी का एक इशू ही रहता है कि जो शॉट मेकिंग धीरज भाई शमीरा बाहर हो गए हैं, स्टर्लिंग के साथ यही दिक्कत है ना, तो शमीरा बाहर हो गया, आपकी खबर पर मुहर लगा दी है स्टार स्पोर्ट्स ने भी टेलीविजन पर, मैं कह रहा हूं ठीक है पॉल स्टर्लिंग की एक दो गेम नहीं आई तो, पर आप नहीं वो नहीं आई वो बड़े मैचों में क्यों नहीं आती उनकी, अभी यार देखो बराबर तो बहुत करते हैं यार, उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को मारा हुआ है, ऐसा नहीं कि बड़े मैच आज वर्ल्ड कप में आके आज अच्छी चीज है नहीं वो मारे, मतलब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉल स्टर्लिंग पर उस तरीके से अभी ये करने के यार कुछ नहीं कर रहे कब करेंगे वो थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक हुआ था, लेकिन हाँ जो बेल बर्नी है धीरज भाई हमने देखा कि शॉट मेकिंग के लिए वो जाते जरूर हैं जाते बट शायद लगता है कि आई थिंक ओडीआई में ज्यादा कंफर्टेबल थोड़ा टी ट्वेंटी मुझे इतना ज्यादा याद भी नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, जैसे उस दिन भी ये हुआ था इंडिया वाली गेम में वो मतलब मार तो रहे थे बट थोड़ा सा उस तरीके से अंदाज उनका लगता है कि उस तरीके का नहीं, क्योंकि दोनों का पेयर ऐसा जो लास्ट में मुझे याद आता मैंने टी ट्वेंटी में इतना नहीं है पर ओडीआई में देखता हूँ कि थोड़ा साथ नहीं दे पाते थे, अब फ्रंट आउट हो जाते थे, वो सारी दिक्कतें हैं उनके लिए, बट नीचे जो इनका मिडिल ऑर्डर हैरी टेक्टर कर्टिस कैम्फर डॉकरेल यार अनबिलीवेबल, और ये इनमें दम है वो मैचेस निकालने का। अब ये देखना होगा कि बड़ा अजीब सा मतलब इस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में जब से शुरुआत हुई है पहले श्रीलंका को शॉकर लगता है फिर वेस्ट इंडीज को लगता है, अब इसी अगर ग्रुप में बात करें तो वेस्ट इंडीज को स्कॉटलैंड ने हराया, स्कॉटलैंड को आयरलैंड ने हराया,
और आयरलैंड को जिम्बाब्वे ने हराया। अब फिर एक बार मुकाबला घूम के आ रहा है जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्टइंडीज को हरा देगी। यहां पर वेस्टइंडीज को बैक किया उन्होंने, उस हिसाब से अगर देखा जिस वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे को हराएगा सभी लोग से लग रहा है तीनों लोग को एक साथ जिम्बाब्वे साथों को साथ मारने वाली बात है। आप हमें बोलेंगे कि जो गणित अभी चल रहा है जिस हिसाब से हो रहा है, एक चीज इसमें ये भी है वेस्टइंडीज जैसे पिछली बार भी जब कर्टिस कैम्पर ने बड़ी विकेट वगैरह ली थी तो इनकी बात हुई थी, क्योंकि शुभेंदु भाई आप भी मतलब साउथ अफ्रीका की तरफ से फाइट वगैरह पसंद करते हो कि साउथ अफ्रीका की टीम जो फाइट करे, तो कर्टिस कैम्पर है ओरिजिनली साउथ अफ्रीका से, अंडर 19 भी वहां पर खेले हैं, कौन नहीं है साउथ अफ्रीका से मनोज, केविन पीटरसन इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, डेविन कॉनवे इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ट्रिब्यूट एक तरीके से दी उन्होंने साउथ अफ्रीका की फाइट जो शुभेंदु डिविलियर्स इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नहीं देखिए मैच अच्छा हुआ, मतलब मैं ये चाहता हूँ भाई मैच अच्छा हो, ठीक है टीम हमारी जीत जाए वो तो और अच्छा हो जाता है, लेकिन आप भी चाह रहे थे कि जिस तरीके से मुकाबला हुआ आयरलैंड को थोड़ा सा आप लोग ऊपर रख, मतलब नहीं हम भी ऊपर ही रख रहे थे, मैं बैक कर रहा था स्कॉटलैंड की टीम को, पर अगर दोनों टीम के हिसाब से देखे तो कहीं थोड़ा सा आयरलैंड का प्लस था, पलड़ा उनका भारी था, वो भी जरा एक बार चलाए जो बांग्लादेश का है हम चर्चा कर रहे हैं उसको दिखाएंगे, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, बांग्लादेश का जो समझ गए होंगे गलत व्यवहार कर दिया तेंबा बबूमा के साथ, बांग्लादेश के भाइयों जो भी सोच है यार, अगर जैसा भी आपने बैनर बनाया मतलब आपकी इंटेंशन सही हो गलत हो, बट आप ऐसा पोस्टर थोड़ी बनाकर किसी तरीके से आप पोस्ट कर सकते हैं जो आपने, और सुशांत भाई को लिंक दे दीजिएगा ताकि वो जोड़ सके यार, क्योंकि बारिश वहां पे हो रही है, अभी बारिश हो रही है वहां पर, उसकी भी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। ये जो चीज है आई थिंक मैच के दौरान ये बात करते हैं, ये बांग्लादेश ने डाला है अपने उनके ऑफिशियल अकाउंट है मनोज, मतलब ये ऑफिशियल अकाउंट है कोई ऐसा नहीं है, और जिस तरह ये डाला है वार्म अप है वर्सेस में बबूमा को उस तरह खड़ा किया है, तो ये थोड़ा एक अजीब सा है कि मतलब वो मैच के रिजल्ट के बाद दिखा देंगे ना, नहीं बात उसी रिजल्ट की बात है यार, आप उनका मेन पेज है ये, मतलब अगर आप देखिए कोई फालतू फालतू पेज डाल दे तो फिर ठीक है आप सोचोगे यार कोई ऐसे ही कर दिया, लेकिन अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया की क्या स्पेलिंग, अब ऑस्ट्रेलिया कर दिया चलिए खैर वो नहीं, पर मैं ये बोला दूसरी बात ये है कि आप फिलहाल जो बांग्लादेश की खुद की टीम है ये कहां पर स्टैंड करती है, ये क्या करते हैं बांग्लादेश जो एसोसिएशन है बांग्ला टाइगर्स, ये बांग्ला टाइगर्स करके इनके जो T10 वाली जो रहती है शायद उसे बांग्लादेश के खिलाड़ी रिप्रेजेंट करते हैं उसमें शायद, तो ये बांग्ला टाइगर्स का है ऑफिशियल, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वैसा नहीं है, बांग्ला टाइगर्स बट उधर से, तो बांग्लादेश में नहीं दिखा था कभी उनके कमर्शियल्स कुछ उस तरीके से बनते हैं जो हमने तमाम जो एमएस धोनी के साथ भी आपने किया था, जो फैन का एक फोटो बना था, तो ये बड़ी अजीब सी, फिर कभी आपके क्रिकेटर्स ऐसे बयान दे देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होता है, अपने बिहेवियर के लिए भी वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी होते हैं, जबकि वहां पे कुछ अच्छे भी हैं, तमीम है जिनको मैंने सुना है, जिनकी चीजें सुनी है, तमीम है, अभी खिलाड़ी जो है मैदान पर नजर भी आ रहे हैं, तो निहाल जी आप उनको भेज दीजिए, सुशांत भाई को जो है लिंक भेज दीजिए, और विराट कोहली के देखिए फिटनेस टॉस डिलेड एकदम वैसे लग रहे हैं जैसे सुपर हीरो की आउटफिट नहीं रहती, सुपरमैन वगैरह टाइप, सुपर हीरो विराट जैसे सुपरमैन जैसे बैटमैन का जो ड्रेस रहता है, मतलब बैटमैन थोड़ा ब्रॉड वगैरह काम करते ना, हम इसको चैट को एंड करके इंडिया पे ही आते हैं, इंडिया पर आते हैं बिल्कुल वापस, और ये अभी इजाजत लेते हैं तो शान भाई को भी जोड़ेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा इजाजत से पहले आप लोग आयरलैंड के लिए ताली तो बजाएं, हमने बजाया था, हमने स्टार्ट ही किया था ताली से, खत्म नहीं ताली से करियो पारी, आज का दिन भी जो है आपके शुभेंदु भाई उस तरीके से अच्छा नहीं जा रहा है, प्रेडिक्शन शुरुआत वाला बहुत अच्छा था, सही रही थी आपकी, वो सटीक बैठी थी, लेकिन 175 बोला था 175 बन गया, जो 176 एक रन ऊपर बन गया था मेरे ख्याल से, एक बस वो चीज आपकी बिल्कुल सही रही, उसका हमने उसी टाइम क्रेडिट भी दिया था, लेकिन इधर उधर धीरज भाई की प्रेडिक्शन पावर प्ले जो था मेरे ख्याल से आज ही का पावर प्ले कोई था, पहला सही गया 40 या 39 रन बने थे ऐसे कुछ, 41 बने थे आई थिंक, मैंने 40 एक रन का फर्क कहां था, एक रन का फर्क यहां था, बट रिजल्ट के मामले में जिसे कहते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड सा गेम हुआ और मजेदार रहा, T20 वर्ल्ड कप में आपको ऐसे ही मुकाबले चाहिए जो आपको एकदम जो है रोमांचक, जिसे आप कहते हैं भाई कि थ्रिलिंग फिनिश, और एक ओवर रहते बताओ जो मैच लग नहीं रहा था कि ये रन बनेंगे कैसे, उसमें आपको 6 गेंदें रह गई तब भी, तो ये यहां पर क्रेडिट जाता है जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज वाले में, लग रहा है कि ऐसे रोमांचक मुकाबला होगा, होगा इन टीमों में जबरदस्त हो रहा, पर यहां हो क्या रहा है कि जो ऐसी टीम है वो कोलैप्स कर जा रही है या फिर फाइटिंग नहीं दिखा रही, आज मतलब होगा, वैसे मैं जिम्बाब्वे को ही बैक कर रहा हूं और करूंगा, बट मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज कुछ अलग करने वाला है, तो आप एक चीज अभी भूल रहे हैं, मैं तो जिम्बाब्वे के साइड हूं, मैं जिम्बाब्वे के साइड हूं, नहीं मैं आपको ये है कि कर सकता, बट मैं हूं जिम्बाब्वे, मैं हार स्वीकार कर रहा हूं, आप भी जिम्बाब्वे के साथ हैं और मैं भी जो है जिम्बाब्वे के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, ये वेस्ट इंडीज के साथ हम देखते हैं उसमें प्रेडिक्शंस वगैरह होंगे, लेकिन अभी इजाजत लेते हैं, वार्म अप वगैरह चल रहा है, खिलाड़ी मैदान पर हैं, यानी कि अच्छी खबर बारिश अभी नहीं हो रही है, सुशांत भाई को लाइव जोड़ेंगे गैबा से और आपके साथ जो है इस चर्चा को और इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे, तो T20 वर्ल्ड कप की कवरेज जारी है, आप लोगों को सोशल मीडिया पर भी जो है फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सब जगहों पर जुड़ना है, sportsyari.com जो हमारी वेबसाइट है वो भी विजिट करनी है और सिनेमा 20 को भी सब्सक्राइब करना है, अभी लेते हैं इजाजत, जय हिंद जय भारत।